हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन रेक्टिफायर सर्किट इस तरीके से है। यह डायोड है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम भी आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर भी इनपुट दिया हुआ है जो कि डायोड के एनोड टर्मिनल पर पॉजिटिव और यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट है और ये डायोड का कैथोड का टर्मिनल है। ये एक साइन वेव है, यहाँ पे देखिए ये साइन वेव है जो कि इनपुट है। तो साइन वेव 0 से स्टार्ट होता है एंड 120 पर फिर अगेन 0 हो जाता है। तो ये जो साइन वेव का हाफ साइकिल T/2 हाफ साइकिल है, एक साइकिल हाफ साइकिल ये है, T/2 से T तक एक हाफ साइकिल ये है। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। ये इतना एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये वाला एरिया, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, मतलब ये प्लस वी एम होगा, ये माइनस वी एम होगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर इस पूरा साइकिल को एक वन साइकिल होगा। तो यहाँ पर जो ये साइन वेव है तो यहाँ पर वी इनपुट हो गया, वी इनपुट इंटू मैग्नीट्यूड वी एम इंटू साइन ओमेगा टी। ये वी एम जो है मैग्नीट्यूड है और साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर एंगल है। यहाँ पर जब इस सर्किट में इनपुट देंगे वी आई, ये इनपुट यहाँ पर 0 से T2 तक पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट जो रहेगा तो उस डायरेक्शन में करंट का फ्लो इस तरीके से होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये आईडी करंट होगा। इस कंडीशन में ये डायोड फॉरवर्ड वाइज वर्क करेगा, मीन्स कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड वाइज कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आउटपुट ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस तरीके से आउटपुट आएगा 0 से T/2 तक। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट किया तो आउटपुट आया। इसके बाद जब हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं डायोड में तो उस समय जो इनपुट की पोलारिटी है, जो इनपुट वोल्टेज की पोलारिटी है वो हो जाएगा माइनस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आईडी करंट इस तरीके से फ्लो होगा। इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड रिवर्स बायस हो जाने के कारण नेगेटिव हाफ साइकिल को ये ब्लॉक कर देगा, यहाँ पर वेवफॉर्म इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाएगा टी। ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन है ये वन साइकिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन वेव में VDC कितना है, 0 वोल्ट है। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब ही यहाँ पर है AC से DC में कन्वर्ट होना, AC से AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करना ही रेक्टिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, जो कि अभी आपने ऊपर देखा था। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट ड्रॉ करने पर इस तरीके का आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड रिवर्स वाइज हो जाएगा। डायोड रिवर्स वाइज हो गया यहाँ पर तो ये वोल्टेज 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगेन एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड इस तरीके से वोल्टेज देगा। हाफ साइकिल है साइन वेव का ये वाला, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो नेगेटिव हाफ साइकिल पर यहाँ पर इस कंडीशन पे देखें तो हम बोलेंगे डायोड ऑन कंडीशन में है, यहाँ पर बोलेंगे डायोड ऑफ कंडीशन में है, मीन्स रिवर्स वाइज है। ये वाला पोर्शन भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा। दोस्तों अभी इसमें हमें VDC देखना है, रेक्टिफायर वोल्टेज क्या है,
डीसी वोल्टेज क्या है? तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, वी एम मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पर जो वी डी सी वोल्टेज जो होगा, जो मैग्नीट्यूड है वी एम डिवाइडेड बाय पाई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी वोल्टेज होता है। तो वी डी सी इज इक्वल टू वी एम, ये जो वोल्ट मैग्नीट्यूड है, और 1 बाय पाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.3183, ये डीसी वोल्टेज। तो समथिंग यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये है आपका 0.3183 VM, ये इज इक्वल टू डीसी वोल्टेज। यही वोल्टेज हमें रेक्टिफायर में फाइंड करना रहता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आपको कोई VM की वैल्यू देता है, सपोज आपको 10 वोल्ट VM की वैल्यू दी है, VM इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, तो VDC कितना होगा? तो VDC इज इक्वल टू 10 × 0.3183, तो ये हो जाएगा 3.183 वोल्ट VDC। इस सर्किट की हेल्प से, इस डायोड की इस कॉन्फ़िगरेशन से हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल पास की है और नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई किया है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करेंगे। इस एग्जांपल में देखना है, स्क्रैच द आउटपुट बी आउट एंड डिटरमाइन द डीसी लेवल ऑफ द आउटपुट फॉर द नेटवर्क। सो हमको आउटपुट वोल्टेज देखना है इस सर्किट का और डीसी लेवल फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, डायोड का कैथोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल है, वो भी इनके पॉजिटिव से कनेक्ट है, और जो एनोड टर्मिनल है वो रेजिस्टर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल इसमें अगर इनपुट देते हैं, इतना पार्ट इनपुट हम देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल का, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस है, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, ये पोर्शन, तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो भी इनपुट होगा वो यहाँ प्लस होगा और ये माइनस होगा। इस वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जो सर्किट में करंट ड्रॉ होगा वो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, आईडी करंट। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो हम यहाँ पर आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है वो डायोड रिवर्स वाइज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल पे 0 वोल्टेज होगा। ये भी आउटपुट है, ये टाइम टी है, यहाँ से 0 वोल्ट से वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो ये T/2 और ये टी ड्यूरेशन। नेगेटिव हाफ साइकिल पर डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो जो फॉरवर्ड बायस है तो नेगेटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगा इस तरीके से, और जो इसका वोल्टेज लेवल है यहाँ पे 20 वोल्ट, -20 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा वोल्टेज लेवल -20 वोल्ट, -20 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे VDC फाइंड करना है, तो इस सर्किट का VDC जो होगा, VDC इज इक्वल टू जो हमने देखा था कि VM/Pi, तो यहाँ पर VM है -20/Pi, तो -20 × Pi की वैल्यू थी 1/Pi की वैल्यू 3.18, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा
-6.36 वोल्ट VDC आएगा। यहाँ पर ये जो लेवल है यहाँ पर -6.36 वोल्ट ये हो गया VDC। तो हमको इस सर्किट में वोल्टेज लेवल दिखाना था, DC वोल्टेज लेवल दिखाना था जो कि VDC है -6.36 वोल्ट, और जो आउटपुट ड्रा होगा वो इस तरीके से रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों जैसे अभी इस सर्किट में देखा है हमने कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो रेक्टिफाई हो गया यहाँ पर, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो पास हुआ है, और इसमें जो वोल्टेज लेवल है वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव हाफ साइकिल नेगेटिव वोल्टेज यूज़ किया है। तो ये जो हमारा आंसर आया नेगेटिव -6.36 वोल्ट आया। इसी तरीके से डायोड के अरेंजमेंट करके उसको कभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू।